क्वेश्चन बबल्स। आज हम एक स्टोरी टाइम वीडियो बना रहे हैं। गाइस, आप सभी को अपने बचपन में अपने पेरेंट्स से कभी ना कभी डांट जरूर पड़ी होगी। उस समय आपको अपने पेरेंट्स अपने सबसे बड़े दुश्मन लगते होंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि आप कोई ढोल है जिसका जब दिल करता है बजाकर चला जाता है। ऐसा सबके साथ होता होगा। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आप ये जान पाएंगे कि आपके पेरेंट्स के गुस्से की वजह क्या होती है। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। ने अपने दो बच्चों को अपनी पीठ पर बिठाकर एक सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। वहाँ दोनों बच्चे दिन भर दाना चुगते रहते। शाम को गरुड़ वापस उन दोनों बच्चों को घर छोड़ देता। यह क्रम रोज चलता रहता। गरुड़ के बच्चों ने सोचा, जब पिताजी हमें अपनी पीठ पर बिठाकर छोड़ देते हैं तो हमें उड़ना सीखने की क्या जरूरत है। गरुड़ ने समझ लिया कि उसके बच्चे आलसी होते जा रहे हैं और मेहनत नहीं करना चाहते, इसलिए वह उड़ना नहीं सीख रही है। एक दिन गरुड़ ने अपने दोनों बच्चों को पीठ पर बिठाकर ऊंची उड़ान भरी। ऊंचाई पर पहुंचते ही गरुड़ ने दोनों बच्चों को नीचे गिरा दिया। अब बच्चों ने अपने अपने पंख फड़फड़ाना शुरू कर दिया। किसी तरह दोनों बच्चों ने अपनी जान बचा ली। शाम को घर पहुंचते ही बच्चों ने माता गरुड़ से कहा कि माँ, आज हमने पंख न फड़फड़ाए होते तो पिताजी ने हमें मरवा ही दिया था। माता गरुड़ ने जवाब दिया, जो बच्चे अपने आप नहीं सीखते, आलस से नहीं छूटते, उन्हें समझाने का यही तरीका है। हमारी पहचान ऊंची उड़ान से होती है। यही हमारी योग्यता है। भी जरूरी है। अगर हमें इस दुनिया के कंपटीशन में जीतकर आगे निकलना है तो हमें प्यार के साथ साथ डांट को भी समझना होगा। गाइस, कमेंट करके बताइए कि क्या आपको भी इस स्टोरी ने उतना ही मोटिवेट किया जितना मुझे किया। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। गाइस, पेरेंट्स के डांट के साथ साथ उनका होते तो पिताजी ने हमें मरवा ही दिया था। पेरेंट्स के प्यार के पेरेंट्स